नारियल तेल में सिर्फ तीन चीजें मिला के रोज रात को लगा लो और रिजल्ट आपके सामने विजिबल दिखाई देगा। रेगुलर के कोकोनट ऑयल में मात्र तीन चीजें मिला के आपने एक सोल्यूशन बनाना है और उसको आपने अपने बेड के साइड में ही रख देना है। इसको रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को धोना है और उसके बाद में आपने इस सोल्यूशन को लगा के आधे घंटे तक अपने चेहरे के ऊपर रखना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके चेहरे के ऊपर आई हुई वो पिगमेंट, वो डार्क स्पॉट्स, वो बुढ़ापा, वो एजिंग लाइन, फाइन लाइंस यानी कि रिंकल्स आपके चेहरे के ऊपर जो बनने शुरू हो गए हैं आफ्टर 30s 40s, वो आपको रिड्यूस होते हुए दिखेंगे। अगर आप अपने चेहरे के डार्क स्पॉट से, पैचेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं, स्किन के ऊपर एक ग्लो पाना चाहते हैं जो एक चमक आती है नेचुरल वाली, तो आपको इस सॉल्यूशन को बना के अपने बेड के साइड के ड्रॉअर पे ही रख लीजिए ताकि आप रोज रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर सके। कैसे बनाना है सारी चीजें आपके घर पे मौजूद है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। यह आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर बनने वाले काले दाग धब्बों से भी आपको छुटकारा दिलाता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी एज के हैं, आप इसको लगा सकते हैं। हर स्किन टाइप को ये सूट करने वाला है, जो कि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारा चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो हम इस तरह का कुछ भी ऑयल अपनी स्किन पे नहीं लगाएंगे। लेकिन ये उनकी गलती है, क्योंकि हमें हफ्ते में 3 से 4 बार अपनी स्किन को ऑयलिंग मसाज जरूर देनी चाहिए। चाहे आप घी की मसाज दें, चाहे आप बटर की मसाज दें और चाहे आप किसी भी फेशियल ऑयल का यूज करें, स्किन के ऊपर ऑयल मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप अपने चेहरे के ऊपर बहुत जल्दी बुढ़ापे को आते हुए देखेंगे, चेहरे के ऊपर रिंकल्स और झाइयां भी बहुत जल्दी बनेंगी। तो चलिए बना लेते हैं आज के इस हमारी रेमेडी को किस प्रकार से करना है, चलिए देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी मैं मेरा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। लेके आ गई आपकी बहन फिर से आपके लिए एक बहुत ही करामाती और बहुत ही मैजिकल रेमेडी। घर में रखे हुए सामान के साथ में हम अपनी स्किन का बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की चीजें लगाना नहीं चाहते तो घर पर ही आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्किन का केयर कर सकती है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए। ऐसे ही इसी तरह के DIYs आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है लाइक दे दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज जिसको कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार खाना है, अगर आप अपने आप को जवान और फिट बनाए रखना चाहते, आप चाहते आपके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा आए ही नहीं, आपका कलर डल हो ही नहीं, आपके चेहरे के जो पिगमेंट है उसके ऊपर काम होता रहे अपने आप ही, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपने एक ऐसी चीज खानी है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। पहले एक बाउल में ले लेना है आपके घर में रखा हुआ कोकोनट ऑयल, चाहे वो आपके पास में नॉर्मल कोकोनट ऑयल है चाहे एक्स्ट्रा वर्जिन वाला कोकोनट ऑयल, दोनों कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं एक हफ्ते का बैच आपको बना के दे रही हूं, तो एक हफ्ते के बैच के लिए आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल इनफ रहेगा, काफी रहेगा। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल आपने लेना है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करने के साथ में आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। चेहरे के ऊपर बुढ़ापा, एजिंग लाइन अगर बहुत ज्यादा आने लग जाती है, स्किन अनइवन होने, कोकोनट ऑयल का यूज अपनी स्किन पे करके एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके साथ में स्किन की पिगमेंट अगर हम खत्म करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लेना है इसमें ग्लिसरीन। दोस्तों ग्लिसरीन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारी दवाइयों में यूज में आती है, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपनी स्किन पे लगाते हैं उसमें भी ग्लिसरीन अपने मेडिकेटेड रूप के रूप में होती है, जो कि उसका एक केमिकल वाला जो नेम होता है उसके हिसाब से उसमें डाली जाती है। लेकिन हम लोग रॉ फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं तो हम चीजों के साथ में इसको मिक्स करके आराम से लगा सकते हैं। तो अगर पिगमेंट दूर करना चाहते हैं तो आप इसमें जो ग्लिसरीन है इसको यूज करेंगे। मैं करीब 1/2 चम्मच के आसपास ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन में नॉर्मली बहुत ज्यादा आप लोगों को बोलती भी हूँ लगाने के लिए, क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बना के भी रखने का काम करती है। जितना ज्यादा स्किन ड्राई रहेगी उतना ज्यादा चेहरे के ऊपर बुढ़ापा एजिंग ज्यादा दिखाई देती है। तो हमने ले लेनी है इसमें ग्लिसरीन, बहुत ही इजिली आपको हर मेडिकल शॉप पे ये मिल जाती है। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे हनी यानी कि शहद। घर में रखा हुआ शहद है चाहे मार्केट का शहद है, आप इसको जरूर से जरूर एड ऑन करिए, क्योंकि शहद जो होता है वो मधु बनाती है। मधु बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर से शहद को इकट्ठा करते हैं और हर फ्लावर की अपनी एक तासीर होती है, अपने एक गुण होते हैं। तो सोचिए आपको आपकी स्किन के लिए कितनी अच्छी चीज मिल जाती है शहद के रूप में। इसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी स्किन की एजिंग के साथ में आपकी स्किन की ड्राइनेस से भी आपको छुटकारा दिलाता है। तो मैंने लिया है 1 चम्मच के आसपास इसमें हनी यानी कि शहद। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, हमारी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। स्किन के ऊपर अगर एक्टिव एक्ने हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में भी शहद बहुत अच्छा काम करता है।
लेकिन अगर आपको शहद नहीं सूट करता है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ रोज वाटर। रोज वाटर ना सिर्फ आपके चेहरे को क्लीन करता है बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। आपके कलर के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। खुरदरी बेजान सी स्किन अगर आपकी है तो आप रोजाना रोज वाटर का स्प्रे अपने चेहरे के ऊपर करके नॉर्मली देख लीजिए। सिंपल रोज वाटर सिर्फ लगा के देख लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपनी स्किन पे दिखाई देगा। तो जब हम इनको किसी चीज में डाल के डाइल्यूट करके लगाते हैं ये और अच्छा हमारी स्किन को रिजल्ट देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल जो कि हमारी स्किन को फेयरने के साथ में हमारी स्किन की हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, बहुत ज्यादा एजिंग की तरफ जा रही है, यानी कि अर्ली साइन ऑफ एजिंग अगर आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल आपको इसमें एड ऑन करना है। तो ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, बढ़िया सा एक आपका ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। इसको आप अपने बेड के साइड में किसी एक कंटेनर में डाल के रखिए। रोज रात को सोने से पहले आपने अपना चेहरा पहले क्लीन करना है। मैं क्लींजर के साथ में क्लीन कर रही हूँ। आप अगर बाहर से आए हैं तो प्लीज साबुन के साथ में, फेस वॉश के साथ में, DIY फेस वॉश के साथ में अपने चेहरे को क्लीन करो ताकि वो डीप क्लीनिंग हो सके आपके चेहरे की। और जब हम इस सॉल्यूशन को अपने चेहरे पर लगाएं तो ये अच्छे से हमारी स्किन के अंदर जा सके और हमारी स्किन के ऊपर इसका काम हो सके। तो हमने क्या करना है, अच्छे से फेस को क्लीन करना है। उसके बाद आप चाहें तो एक बार पानी के साथ में और वॉश कर लीजिए, तब आप इस सॉल्यूशन को लगाएंगे और बढ़िया सी मसाज देंगे। मसाज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि मसाज करने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, फास्ट होता है, जिससे कि जो भी चीज हम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं वो हमारी स्किन के अंदर जा पाती है, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उससे वो जो स्किन के ऊपर हम जो भी लगा रहे हैं वो सब हमारी स्किन खाती है। तो जब आपकी स्किन उसको खाती है तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, मसाज करेंगे अच्छे से राउंड राउंड सर्कल में करते हुए आपने मसाज करनी है। कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक इसमें कुछ वो नहीं है, बहुत इजीली मेरी फैमिली अच्छे से जानते हैं कैसे आप उसको स्क्रब मसाज कर सकते हैं, अच्छे से करना है। प्रेशर पॉइंट आते हैं तो उनको भी आप प्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको लगा के सिर्फ आपने आधा घंटा रखना है, पूरी रात नहीं रखना है क्योंकि इसमें शहद है, शहद लगा के आप सो नहीं सकते हैं। तो आधा घंटा भी रखेंगे तो काफी रहेगा, आपकी स्किन के लिए सफिशियंट है। रोज रात को करके देख लो और हफ्ते में 3 दिन आपने ये वाला जो चीज मैं आपको बता रही हूँ इसको खाना है। ये है विटामिन ई का कैप्सूल, मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था, मैं रोज खाती हूँ। अगर आपकी स्किन अंदर से ड्राई है, अगर आपकी स्किन के ऊपर क्रैक्स आते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटती है, आपके हेयर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स या आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आपने विटामिन ई रोजाना भी खा सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन तो आप खा के ही देख लो, आपको अपनी स्किन अंदर से हेल्दी हुई होती हुई दिखाई देगी। मुझे डॉक्टर ने बोला है, आप चाहे तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। होप करूंगी इस रेमेडी को आपको करने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि मुझे मिलता है। तो करने के बाद में आपने एक प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना है कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी स्किन के ऊपर इस रेमेडी ने क्या चमत्कार किया है। फॉलो कर लीजिएगा इसी तरह की और रेमेडीज देखने के लिए। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह पे मैं अवेलेबल हूँ, जहां पर आपको फील फ्री होकर आराम से देखने को वीडियो मिले वहां पर आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है जी, कमेंट करके बताइएगा कहां से मेरा वीडियो देखते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।